जांजगीर चांपा जिला में हत्या करने की नीयत से धारदार चाकूनामा हथियार द्वारा प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई किया है। आरोपी का नाम सोहन सिदार, उम्र 26 साल, निवासी घोघरा लाना थाना चापा है। शराब पीकर गाली गलौज करने से मना करने पर आरोपी ने प्राण घातक हमला किया था। आरोपी के कब्जे से धारदार चाकूनुमा हथियार बरामद कर ली गई है। 8 सितंबर को आरोपी रोहन सिदार शराब पीकर उपद्रव करते हुए गाली गलौज कर रहा था, जिसे उसके ही चाचा सुरेश कुमार ने गाली गलौज करने से मना किया तो आरोपी ने तुम कौन होते हो मना करने वाले कहते हुए धारदार चाकूनुमा हथियार से हत्या करने की नीयत से प्राण घातक हमला अपने चाचा पर ही कर दिया था। गंभीर चोट लगी तो खून बहने लग गया था, जिससे आहत व्यक्ति जमीन पर गिर गया। घटना को देखकर परिजनों ने बीच बचाव की और इलाज के लिए उसके NKH अस्पताल चापा ले गए। थाना चापा में अपराध की धारा 307 भारतीय दंड संहिता अपराध पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई। आरोपी को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। इस कार्यवाही में निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, थाना प्रभारी चापा, उप निरीक्षक विनोद जाटवर, सहायक उप निरीक्षक राम प्रसाद बघेल, आरक्षक गौरीशंकर राय, नितिन द्विवेदी, माखन साहू, डिकेश्वर साहू, खेमराज और दीपक राठौर का योगदान रहा।